बहुत ज्यादा मेहनत करता है यार, मैं सच बोलू ना, वजाई में ऐसा मैं छोटू का एक गर्लफ्रेंड है हम लोग गाँव में, वो हमेशा देखने आता है। वैसे आप लोगों को बता दो, मैं और अनब भाई एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक ही साथ थे भाई, तो बहुत कुछ हम लोगों ने किया है वो तो बता नहीं सकते। स्ट्राइक के बोतल नमस्ते सत श्री अकाल सलाम वालेकुम एंड जय श्री महाकाल। तो गाइस इधर से वीडियो शुरुआत करते हैं एंड चलो एंड जो बातें करना है साइकिल में जाके आप लोगों से बातें करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है भाई, मतलब क्या ही बोलूँ, और थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग को पता चल रहा है कि हम लोग किधर जाने वाले हैं। ठीक है गाइस, वो बंदा बहुत हम्बल है भाई, उसके बारे में क्या ही बोलूँ भाई, मतलब बहुत मस्त है भाई, मतलब उसके बातें करने का स्टाइल ना मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। जो बोलना है मुँह पे बोलेंगे, कुछ छुपाएंगे नहीं भाई। मेरा कुछ गलती हो गया तो मैं बंदे से बहुत सोल्यूशन ले लेता हूँ, मतलब सोल्यूशन ले लेता हूँ बहुत सारा कि भाई ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। बंदे बहुत मस्त है भाई, बंदा मुझे बहुत हेल्प करता है, वही मुझे बहुत अच्छा लगता है। बंदा मुझे जितना हेल्प करता है ना भाई, वो मुझे मतलब बहुत हम्बल है भाई। उसको अगर कुछ पूछा भाई ये कैसे करना है, हाँ भाई तू ऐसा कर ये डाल वो डाल, तो आराम से डालता रहे, जो होगा देखा जाएगा। तो वो चीज़ के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बंदा ऐसा करता है, बंदा मतलब कुछ एटीट्यूड लेवल उसका इतना अच्छा लगता है ना मुझे कि उससे बातें करता रहूँ ऐसा। तो आज भाई के घर जा रहा हूँ, बहुत दिनों के बाद भाई से मिलने वाला हूँ, क्यों भाई शूट के लिए बाहर थे एंड कोई ना, अभी तो मिल जाएंगे। एंड आज तो धूप देख रहे हो भाई, फटेगी भाई, बस मेहनत करते जाएंगे। अगर देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर बॉडी पे पसीना हो गया ना, ज़्यादा पसीना हो गया, तो मैं दीप भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो टी शर्ट खोल के दिखाए अपने ऑडियंस को। अरे कहना क्या चाहते हो? और 200 लाइक इस वीडियो पे टारगेट करते हैं, ठीक है। एंड भाई धूप देखो भाई, बहुत तेज़ है भाई, बहुत तेज़ भाई, मतलब तीखा मिर्ची की तरह, MDH मसाला। तो गाइस रोड्स देखो भाई, मतलब बहुत अच्छा है भाई, आजकल हो जाए वाले रोड्स ना कितने अच्छे हो गए, क्या ही बोलूँ भाई, मतलब बहुत अच्छा लगता है कि अपना हो जाएगा भी रोड्स ऐसा है। नहीं तो पहले भाई साइकिल में शेकी शेकी शेकी, मतलब डैडी यंकी का गाना आ जाता भाई वही। एंड क्या ही बोलूँ भाई, तो खेत भी हो रहे हैं एंड काफ़ी, मतलब क्या ही बोलूँ भाई, मेरा मुँह पे शब्द नहीं है यार, धोखा दे दिया लड़की ने भाई, क्या बोलूँ। तो सामने तो दुर्गा पूजा है, मतलब हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल, तो उसके बाद लक्ष्मी पूजा है, उसके बाद धुबरी पूजा है भाई। तो धुबरी पूजा के लिए बस रेडी रहना भाई, क्योंकि जल्द से जल्द निकल जाएंगे भाई। और निकल के किधर जाएंगे? 500 से ज़्यादा होगा भाई, जैसे घूम के आएंगे ना, वो राइड मतलब बहुत लंबा होने वाला है, तो वो राइड के टाइम ही पता चलेगा किधर कितना, क्योंकि हम लोग इस बार ज़्यादा टारगेट सेट करके नहीं जा रहे हैं, बस जा रहे हैं, हमें बस जाना है। हाँ भाई थारा भाई, जोगिंदर मत बोलना, बाद में वो सिकंदर बना देंगे। तो ये सब तो भाई क्या बोलो भाई, ओपी जो भाई से मिलने वाला हूँ उसको, उसके बारे में और थोड़ा बात करता हूँ, ठीक है भाई। मतलब वो बंदा ऐसा है ना कि वो बंदा के साथ आप अगर बात करोगे ना, पहले आपको लगेगा कि बंदा के पास बहुत एटीट्यूड है ये, बट आप अगर एक बार बात कर लिया ना उससे, वो बंदा से मतलब आप श्योर मतलब अच्छा लग जाएगा, क्योंकि देखो इम्प्रेस हो जाओगे, मतलब तो क्योंकि देखो भाई उसका एटीट्यूड लेवल इतना अच्छा है ना भाई, वो बात करने में अगर मेरा कुछ गलती हुआ ना, फिर भी बोलेगा ना तेरा ये हुआ वो हुआ, ये करना वो करना, अगर मुझे कुछ सोल्यूशन चाहिए होता है मैं उसको बोलता हूँ भाई, बंदा ऐसा मस्त सोल्यूशन देता है ना, और बंदा छुपाता नहीं है कुछ बात, गलती हुआ मुँह में बोलेगा, अच्छा हुआ मुँह में बोलेगा कि तेरा ये नहीं है, बहुत अच्छा लगता है भाई वो बंदा से बातें करके, बंदा बहुत मेहनत करता है भाई। तो भाई का तो आप पहचानते ही हो ज़्यादातर लोग, तो चलो गाइस उनके घर चलते हैं, उनके घर चल के उनसे बातें करेंगे, बातें शातें करेंगे भाई, तो भाई मिलेंगे उनसे, बातें वातें करेंगे बहुत सारा, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। देखो भाई धूप बहुत तीखी है भाई, मतलब क्या ही बोलूँ भाई, माँ कसम इतना धूप में, मतलब आज शायद माजुली के बाद बहुत पहली बार निकले हैं भाई, एंड पूजा भी आ रहा है सामने, एंड आशा करता हूँ काला ना हो जाऊँ, ऐसे ही हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं भाई, तो ऐसे इस बात का टेंशन नहीं है, बस धूप के बारे में ज़्यादा टेंशन है कि धूप ज़्यादा ना आए। एंड क्या बोलूँ भाई, क्या बोलूँ भाई, क्या बोलूँ भाई, क्या बोलूँ भाई, तो गाइस चलो, एंड धूप के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ, जो है रहने दो, क्योंकि धूप बारिश
जो भी हो वो चीर फाड़ के जाना है हमें अगर मंजिल को पहुंचना है। तो गाइस चलो डायरेक्ट उनके घर पे चलते हैं एंड उनके घर पे चल के उनसे बातें करते हैं। हम इसके घर पे पहुंच गए देख सकते हो। और वार्नर भाई आया है यार, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, बहुत दिनों के बाद मिले हैं। बहुत दिनों के बाद। वैसे आप लोगों को बता दूं, मैं और अर्नब भाई एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक ही साथ थे भाई। तो बहुत कुछ हम लोगों ने किया है वो तो बता नहीं सकते। स्प्राइट की बोतल में पानी डाल के पी थे हम लोग। वो तो भाई गलत मत लेना, कुछ गलत मत लेना, भावना को समझो, भावना को समझो, फीलिंग्स भाई, फीलिंग्स। तो जॉर्ज भाई को तो ज्यादातर लोग पहचानते हैं एंड भाई के साथ मतलब बहुत, मतलब पहले से हम लोग का बॉन्डिंग है, बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। तो मिलेंगे बोल के मतलब भाई का भी कुछ टाइम नहीं हो रहा था, तो मैंने भी कुछ टाइम नहीं निकल पाता था, मतलब मैं भी। तो भाई से बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुआ, बहुत अच्छा लगा भाई। एंड चलो और जल्दी से और जल्दी से जल्दी और ब्लॉग में भाई से मिलेंगे एंड राइट करेंगे उन लोगों के साथ जरूर। आप लोग बस इन भाई साहब को बहुत सपोर्ट करना क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करता है यार। मैं सच बोलूँ ना वजाई में, ऐसा मैं खुद को भी नहीं बोलूंगा जितना ये तीनों मेहनत करता है ना। ये हमारे तीन भाई को भी दिखा दो, ये तीनों जितना मेहनत करता है उतना कोई नहीं करता, क्योंकि वो लोग जो जो सोच के सोचता है अभी तो कुछ ऐसा करने वाला है जो सो हो जाएगा सबको। तो और वैसे बहुत कुछ करेगा इन फ्यूचर, आप लोग बस देखते रहो, तो सपोर्ट करते रहो इन लोग। ठीक है भाई, भाई के साथ बहुत टाइम बातें बातें किया एंड बहुत अच्छा भी लगा बहुत दिनों के बाद मिलके। तो भाई को एक हग एंड और वैसे वो बोल रहा है जाने को, हाँ वैसे घर में चाय बना रहा है, पी के जाना था। तो घर में तो भाई का घर में और क्या ही बोलूं भाई, भाई का चैनल अपना घर है, कभी भी आ सकते हैं, एनी टाइम वेलकम है। आप लोगों के लिए भी वेलकम है, बस जो पहले आने से पहले एक बार फोन करना, उसके बाद मैं कुछ लाने के लिए बोलूंगा, बोलेंगे ला के। तो भाई के घर में सबको वेलकम है एंड भाई को तो आप लोग जानते हो ज़्यादातर एंड भाई का वीडियोस तो मतलब जो शायरी बोलते हैं ना, यस इट मतलब छू जाता है, भावना 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 को समझो। वही गाइस एंड चलो एंड और धीरे धीरे पूजा पे बिफोर भावना क्रश है भाई, क्रश है। कल वाला वीडियोस भी मैंने देखा था। तो भाई भाई भी वीडियोस देखता है, बहुत अच्छा लगता है एंड भाई का वीडियोस क्या ही बोलूं भाई, मैं तो स्टार्टिंग से जब करता हूं पूरा एंड तक मतलब भाई का वीडियो में कुछ सीखने को मिलता है भाई। एंड इसके बारे में क्या ही बोलूं भाई, मेरा कुछ गलती हुआ, मैंने कुछ मुझे पता नहीं है, मैं इसको पूछता हूँ भाई जॉर्ज कैसे करना है, बट बहुत अच्छा सोल्यूशन मिलता है, जैसे कि मैंने बोला ऐसा सोल्यूशन बहुत अच्छा लगता है भाई, कोई ऐसा सपोर्ट कर रहा है। तो एंड भाई के बारे में ज़्यादा कुछ, तो हमने जॉर्ज भाई के घर में बहुत टाइम बैठा एंड जॉर्ज भाई के साथ बहुत सारा बातें किया भाई एंड जॉर्ज भाई का घर का चाय भाई बहुत मज़ेदार था भाई, लाजवाब। एंड सॉरी हम लोग वीडियो शूट करने भूल गए एंड बट क्या ही बोलूँ भाई, जॉर्ज भाई तुम और आगे बढ़ते जाओ एंड लव यू ए लॉट ब्रदर एंड थैंक्स ए लॉट भाई, थैंक्स ए लॉट। देख के अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जॉर्ज भाई ने बोला है भाई, नहीं दबाया तो सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं, तो बेल आइकन को दबा देना एंड जॉर्ज भाई ने बोला है तो जरूर करके देना भाई, ढेर सारा प्यार देना एंड भाई को भी देना एंड भाई का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, मेरे चैनल को भी देख लेना आप लोग। तो और छोटू भाई इसके बारे में क्या बोलो, वैसे छोटू का एक लड़की देखा है हम लोग गाँव का आसपास का है, तो छोटू का इधर भी गर्लफ्रेंड मिल जाता है भाई, छोटू इतना क्यूट है क्या ही बोलूं। क्रेजी नंबर वन फोन किया यूट्यूब पे, एक बार सर्च करना आप लोग क्रेजी नंबर वन कौन है। घर पे आ चुके हम लोग, मेरे घर पे अभी चाय वाय पिला के भेजेंगे छोटू भाई का, और छोटू का एक गर्लफ्रेंड है हम लोग गांव में, वो हमेशा देखने आता है। अच्छा। आप लोग भी बताओ कि हम लोग सोच रहे हैं, जैसे कि अभी तो हम लोग उनका उसका सीनियर है ना, तो हम लोग सोच रहे हैं कि उसको परमिशन दिया जाए या ना जाए, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना। अभी उम्र हो गया क्या उसको, हम लोग को तो देखने में तो लगता ही हो गया है, पर आप लोग कमेंट में बताना आप लोग को क्या लगता है कि छोटू अभी गर्लफ्रेंड बना गर्लफ्रेंड रखने का लायक है कि नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। गाइस इसी बात पे वीडियो को करते हैं क्लोज, मेहनत हमारी रहमत उसकी एंड प्यार आप सभी का, कीप सपोर्टिंग कीप लविंग, साइनिंग आउट टीसीबी, बाय बाय।